हेलो भाई नमस्ते, मैं विपिन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, आज ये डिफरेंशिएशन का 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। हालांकि पिछले लेक्चर में भी हम लोग 5.3 का देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, लगभग आज ख़त्म ही कर लेंगे हम लोग, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं कि आज ख़त्म कर लेंगे। तो आप सभी आदमी इस क्लास को देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको टोटल चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से टोटल लेक्चर देख लीजिए, तब आप यहाँ देख सकते हैं, सब कुछ बढ़िया से समझ सकते हैं, है ना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना क्वेश्चंस को। ध्यान रखिएगा, जो आदमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, एक बार कर लीजिएगा, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को निश्चित ही फॉलो कर लीजिएगा। आ जाइए हम लोग अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके थे, आज ये 8वां है। कौन सा है? 8वां कहता है sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये हमारा दिया गया है, बोल रहे हम लोग को डी वाई बट्टा डी एक्स फाइंड आउट करने। क्या फाइंड आउट करने? डी वाई बट्टा डी एक्स। गौर से सुनना खाली, तुम ध्यान से देखना, तुमको क्वेश्चन डील हो जाएगा भाई, कन्फर्म है। देखो हमको डी वाई बट्टा डी एक्स फाइंड आउट करने बोल रहा है। डी वाई बट्टा डी एक्स का मतलब ये हुआ कि वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। y का dc किसके रिस्पेक्ट में सर? x के रिस्पेक्ट में। गौर से सुनना, तो यहां एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मतलब क्या कि दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। अब सुनो गौर से, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट। अब देखो कि d बाय डी एक्स ऑफ हमारा होगा यहां से साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा? डी बाय डी एक्स ऑफ 1। अब समझिएगा बात को, ये हमारा किस रूल पे टूटेगा? तो कहोगे यू प्लस वी पर टूटेगा। किस पर टूटेगा? यू प्लस वी पर। इसे तोड़ लो, डी साइन स्क्वायर एक्स बाय क्या होगा हमारा? डी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर वाय बराबर कॉन्स्टेंट का डी सी क्या हो रहा है हमारा? 0। अब देखो इसको तुमको एक बात बता चुके हैं भाई कि डी एक्स के पावर एन बाय डी एक्स अगर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ये बेस और ये बेस मैच करना चाहिए, तब जाकर के हमारा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा सुनना बढ़िया से, बहुत कुछ हम क्लियर यहाँ से कर देंगे आपको। देखो इसका जो बेस है, पावर को छोड़ो बेस देखो, जो बेस में है वही बात नीचे होना चाहिए। चेन रूल अप्लाई करेंगे, देखो इस बेस में जो है वही बात नीचे होना चाहिए। हालांकि ये बात नहीं है तो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ लिखोगे डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी साइन एक्स, अब फिर से यही फंक्शन हमारा कहाँ चल जाएगा सर? गुना होकर के ऊपर में डी साइन एक्स बाय डी एक्स। अब देखो प्लस कोस स्क्वायर वह पावर जो है उसको छोड़ के बेस देखो, जो चीज बेस में है वही बात हमारा नीचा होना चाहिए, हालांकि नहीं है, बना लेंगे। क्या करेंगे? बना लेंगे। तो यहां लिखो डी कोस स्क्वायर वाई बाय डी कोस वाई, अब फिर से यही कोस वाई ऊपर में जाएगा डी कोस वाई, अब बाय क्या होगा? डी वाई जो कोस के एंगल में है। अब यही एंगल मेरा बात कहां चल जाएगा हमारा? ऊपर डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। जब तक हमारा d नीचे में x नहीं आ जाए डी एक्स, तब तक इसको ऐसे तोड़ते रहो। अब देखो साइन स्क्वायर का डी सी क्या होगा सर? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स, बात सही है। प्लस कोस स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 कोस वाई, और कोस वाई का हो जाएगा हमारा माइनस साइन वाई। क्या होगा हमारा? माइनस साइन वाई। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई हो गया, और डी वाई बट्टा कौन चीज? डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0। उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ से समझ रहा होगा। अब देखो यहाँ आ जाओ एक बार, अगर आप देखो यहाँ से क्या, ध्यान से सुनना थोड़ा सा बात को। अगर देखो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, आपको बोले हैं साइन 2x होगा, क्योंकि एक फार्मूला आपको बता दिए हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा। इस बात को समझ लो, इस बात को ऐसा रहने दो, ये माइनस में है उधर जाएगा, तो रहने दो तत्काल माइनस में। अब देखो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, इसका मतलब साइन 2 वाई हो जाएगा, और डी वाई वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0। ये डी वाई बट्टा डी एक्स वाला टर्म माइनस में है, उधर भेज देंगे तो प्लस में चल जाएगा। यहाँ लिखोगे कौन चीज़? साइन 2x बराबर कौन चीज़? साइन 2 वाई डी वाई वाई डी एक्स। अब देखो ये फॉर्मेट हमारा, ये डी वाई बट्टा डी एक्स के साथ साइन 2 वाई साइन 2 है, गुना में इधर आके हमारा भाग में हो जाएगा। यहां से लिखेंगे साइन 2x बाय क्या होगा हमारा? साइन 2
y इक्वल टू डी वाई डी एक्स, यही हमारा क्या होगा बबुआ आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर। आप लोग इसको बढ़िया से समझ रहो, बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डन कर लो, ध्यान रखना, रिवीजन करते रहना, बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे, नोट्स बनाते रहना। सभी आदमी डेली 8 बजे क्लास में ज़रूर आ जाना, अगर क्लास नहीं करते हो तो घाटा में रहोगे बबुआ, ये बात कान खोल के सुन लो, है ना। इसलिए थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान देना, नोट्स जरूर बनाना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग रखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना कई बार पूछा जा चुका है, कई दफ़ा। सभी को गुड इवनिंग, एक बार भाई शेयर कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो कुछ बातें पुट करके यहाँ पर तुम बना लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, सबसे पहली बात सॉल्यूशन लिखेंगे, y इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, देखो तो दिया गया है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पर आपको हम तीन फार्मूला क्लास 12 के इनवर्स में पढ़ा चुके हैं, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 3 को, यहाँ गौर से देख लेना, 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है हमारा 3 को, पहला होता है साइन के फॉर्मेट पे, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा होता है कोस इनवर्स कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा होता है हमारा tan इनवर्स क्या होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हमको देखने को मिल सकता है। तो इस तीनों के जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो सर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको तुम क्लियरली लिख दो कौन चीज़ 2 tan इनवर्स x, बात हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अगर आप दो मार्का बना रहे हो तो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू कौन चीज़ tan थीटा, क्या पुट करेंगे tan थीटा। ध्यान रखना x इक्वल टू tan थीटा हम लोग पुट करें हैं, अगर ऐसा करते हैं तो इसी बात को जब x इक्वल टू tan थीटा आपके पास लिखा गया है तो इसी को लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू x, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। अब देखना है एक बात, ये tan खाली थीटा को छोड़ दो, tan को देखो, tan इधर जनरल फंक्शन है, उधर जाके इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, कौन सा फंक्शन बनेगा इनवर्स फंक्शन, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये इनवर्स में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग हैंस, यहाँ देख लो इसीलिए कि थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा सर tan इनवर्स x हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा बढ़िया से सीख लो, यहाँ चकमा खा सकते हो, देखो x इक्वल टू tan थीटा दिया गया, सर दिया गया है, तो इसी बात को लिख सकते हैं tan थीटा बराबर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से थीटा को तुम रख लो इस साइड, और ये tan जो हमारा है ये कौन सा फंक्शन है सर, तो ये हमारा है जनरल फंक्शन, उधर जा करके इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, तो ये होगा थीटा इक्वल टू कौन चीज tan इनवर्स x। अब समझना बात को, यहाँ से अगर हम तुमको अब यहाँ बता दें कि y इक्वल टू क्या होगा सर, फॉर्मूला याद रखोगे सब कुछ सही हो जाएगा, 2x के जगह पर tan थीटा, x के जगह पर कौन चीज tan थीटा, अब y क्या होगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर कौन चीज थीटा। अब समझो इस दफा अगर हम y इक्वल टू रखे कौन चीज साइन इनवर्स, और ये जो हमारा होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का, किसका होता है साइन 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई डाउट किसी को। अब देखो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज आप इनवर्स चैप्टर में पढ़े थे, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है हमारा एक्स, देखो साइन इनवर्स यहाँ कौन चीज़ साइन एक्स बराबर एक्स होगा, ये बात मैच करना चाहिए, अगर यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ बी तो यहाँ भी बी, इस तरीका से, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा हमारा सर, कहोगे 2 थीटा, क्या होगा 2 थीटा, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 थीटा। अब बताओ एक बात, यहाँ से लिख सकते हैं वाई इक्वल टू थीटा के जगह पर देखो tan इनवर्स x है, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स कौन चीज x, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। अब देखो सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर लिए, अब आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। अब एक बात तुम लोग सुनना, देखो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि y इक्वल टू क्या कि 2 tan इनवर्स x, अब एक बात लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे सर डिफरेंशिएशन करेंगे, अब कलन करेंगे, बात को सुनना सही, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बट्टा कौन चीज डी एक्स बराबर डी वाई कौन चीज डी एक्स ऑफ
टू टेन इनवर्स एक्स। अब सुनो यहाँ से कि अगर हम लिखे डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, देखो दो कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म कहाँ हमारा आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करते वक्त कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो दो बाहर आएगा। आपको प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं, लेक्चर में जाके देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ आपको फॉर्मूला हम नहीं बताए थे टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो यहाँ समझ लेना। अगर तुमको कहीं ऐसा दिखाई दे दे डी टेन इनवर्स एक्स अब बाय डी एक्स, ये बात अगर मैच करता हो, इसे कहते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। क्या कहते हैं? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कहते हैं। तो यहाँ समझने का कोशिश करना, इसका जो आंसर होगा टेन इनवर्स एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष, ये होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होता है। यहाँ भी एक्स मैच करना चाहिए, तब क्या होगा वन बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कौन चीज़ कि डी वाई बाय डी एक्स बराबर टू इन टू, इस टोटल के बदले क्या लिखेंगे हम लोग वन बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दो बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा सर आंसर। चलो एक बार आप सभी आदमी प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बबुआ, हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तुमको लेकर के, जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट सभी आदमी उठा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान रखना इसी टाइप का क्वेश्चन सब है, तुम बढ़िया से नोट करते जाओ, तुम्हारा सब कुछ क्लियर होते जाएगा। उम्मीद है कि तुम नोट्स भी बना रहा होगा, और नहीं बना रहा होगा तो दूसरा का कौन चीज लेगा, पगला अपने छरपटाएगा एग्जाम के टाइम में। अब देखो अगला, देखो 10 नंबर में है, टेन इनवर्स कितना है वाई इक्वल टू दिया गया है टेन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बट्टा दिया गया है 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप फॉर्मूला पे थोड़ा सा इसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे आज और सीखना बात को। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पुट करो, क्या करो पुट करो x इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट करो x इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टेन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा टेन इनवर्स x होगा। अब देखो यहाँ से कि अगर हम लिख लेंगे y इक्वल टू, क्या लिख लेंगे हम लोग y इक्वल टू, यहाँ से देखो टेन इनवर्स 3 x के जगह पर टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब देखो यहाँ से समझो, सीधा तुम लिख सकते हो y इक्वल टू कौन चीज tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, किसका tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए। हालांकि ध्यान रखना हम व्हाट्सअप का लिंक दे दिए हैं, आप उसमें ज्वाइन होकर के वहाँ से आप हमको पर्सनली व्हाट्सअप करोगे तो इस टोटल फार्मूला का आपको हम PDF शेयर कर देंगे। आ जा, तो टेन थ्री थीटा होता है 3 tan θ - 10³θ / 1 - 3 tan²θ। अब देखो यहाँ से फार्मूला बनता है हमारा, एगो इनवर्स में पढ़ा चुके हैं कि टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू होता है कौन चीज एक्स, जो बात यहाँ होगा वही बात यहाँ भी होगा, तो जो बात यहाँ है वही इक्वल टू में होगा, तो y इक्वल टू लिखोगे इसको 3θ आसानी से सर लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ से y इक्वल टू 3 और थीटा के जगह पर चेक करो कितना, तो थीटा के जगह पर कहोगे भैया टेन इनवर्स x, कितना टेन इनवर्स x, तो यहाँ सीधा लिख दो कौन चीज़ तुम लोग टेन इनवर्स x। यहाँ से हम लोग कहेंगे कौन चीज़ कि y इक्वल टू, थोड़ा सा गौर से सुनना इस चीज़ को, यहाँ से लिखेंगे सिंस y इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, देखो तो y इक्वल टू हो रहा है हमारा 3 tan इनवर्स x, क्या हो रहा है सर 3 tan इनवर्स कौन चीज x। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाय क्या होगा हमारा dx बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स कौन चीज x होगा। अब देखो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, देखो 3 कांस्टेंट है, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स कौन चीज़ हमारा x होगा। यहाँ से ध्यान दो डी वाई बाय डी एक्स बराबर 3 और टेन इनवर्स x का डी सी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है
वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है इंटू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा सर एक्चुअल आंसर। जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए, ये बात ध्यान रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवीजन करते रहेगा, आपको प्रैक्टिस होते रहेगा, एग्जाम में तुम फोर फार करके वहाँ से आ जाओगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी ख़त्म करो, चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर देखो 11, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखना, सॉल्यूशन देखो हमारा दिया गया है कौन चीज y इक्वल टू, 11 में y इक्वल टू दे दिया आपके पास कोस इनवर्स, y इक्वल टू दिया गया है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताए थे किसका, तो कहोगे सर 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का तीन गो फॉर्मूला बोले थे, ध्यान से सुनना गौर से, साइन इनवर्स के फॉर्मेट पे, कोस इनवर्स के फॉर्मेट पे और tan इनवर्स के फॉर्मेट पे। तो साइन इनवर्स के फॉर्मेट पे आपको बोले थे साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस के फॉर्मेट पे बोले थे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan के फॉर्म में बोले थे tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सुनना गौर से, तो यहाँ ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x, लेकिन नहीं पुट करना, क्योंकि दो मार्क तुमको वैसे नहीं देगा, तो और ससुर ने बैठा है वहाँ पे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं, यहाँ से हेंस थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, क्या होगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब बताओ वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा, कहोगे भैया कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पर टेन रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब एक दफ़ा सुनो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है कोस टू थीटा का। आपको हम एलेवेंथ के बैच में ऑफलाइन बैच में कोस टू थीटा का पाँच फार्मूला बोले थे, कौन कौन बोले थे आपको कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा बोले थे टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तीसरा बोले थे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, चौथा बोले थे आपको वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और पांचवा बोले थे कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन और बट्टा कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा कोस टू थीटा का, किसका कोस टू थीटा का। और आपको एक बात मालूम है कि अगर कहीं आपको ऐसा दिखाई दे दे कि कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर क्या होगा सर एक्स, ये बात और ये बात हमारा मैच करना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। तो अब देखो यहाँ क्या होगा हमारा टू थीटा, फिर से समझो यहाँ से लिखोगे वाई इक्वल टू टू और थीटा देखो कितना है हमारा टेन इनवर्स एक्स, थीटा कितना है हमारा टेन इनवर्स एक्स। बात को समझ रहा है कि क्या तुम, कि अगर वाई इक्वल टू तुम्हारा दिया गया है कौन चीज, वाई इक्वल टू दे दिया है टू टेन इनवर्स एक्स। अब समझो बात को, y इक्वल टू जब तुमको 2 tan इनवर्स x दे दिया गया तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, अब सीधा बात, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम लोग तो होगा हमारा क्या कि dy वाई बट्टा डी एक्स बराबर कौन चीज 2, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर d बाय डी एक्स ऑफ कौन चीज 2 tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ से कि dy वाई बट्टा डी एक्स हमारा क्या होगा सर 2 बाहर डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ से कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा सर 2, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को लिखोगे 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा कौन चीज हो जाएगा सर आंसर। चलो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं समझ में आ रहा बातें तुमको तो हमको बता देना, हम फिर से समझा देंगे। दूसरा बात, एक आध बार इसको रिकॉल करके देखा करो, टोटल चीज क्लियर हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब क्वेश्चन नंबर तुम 12 के पास आ जाओ, कितना जब 12 में देखोगे तो 12 भी क्वेश्चन तुम्हारा इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है और आसान है, ध्यान रखना बन जाएगा आपसे। 12 में बोलता है y इक्वल टू साइन इनवर्स, इतना सुनना, 12 में
बोल रहा है, इधर लिखेंगे सॉल्यूशन कि y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू बोल रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे सर, तो इसमें कहोगे भैया 10 पुट कर दीजिए, कौन चीज, तो 10 पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ लिखो पुट, पहले ध्यान रखना अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपको डिफ्रेंसिएशन आ जाए ना, तो उस सॉरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो पहले उसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, मतलब पहले सरल कर लो तब उसका डिफ्रेंसिएशन करो, बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखो पुट करते हैं हम लोग कौन चीज कि एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो हेंस हम लोग का थीटा इक्वल टू हो जाएगा कौन चीज, टेन इनवर्स एक्स। थीटा कितना हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स एक्स। अब समझना बात को यहाँ से कि y इक्वल टू अगर हम बात करें किसके इक्वल टू, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू देखो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, तो x के जगह पर टेन थीटा है, तो टेन थीटा के जगह पर टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा। अब समझना बात को यहाँ से क्या लिखेंगे, y इक्वल टू तुम लिखोगे कौन चीज, तो कहोगे सर यहाँ से जो हम लोग बनाएंगे तो साइन इनवर्स ये फॉर्मूला होता है किसका, कोस टू थीटा का, किसका होता है, कोस टू थीटा का। इस बात को समझना, ये होता है कोस टू थीटा का। अब देखो कोस टू थीटा को मतलब कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसी बात को लिख सकते हो तुम कौन चीज, साइन इनवर्स साइन 90 के जगह पर पाई बाय टू और माइनस थीटा था तो थीटा, और यहाँ टू थीटा है तो टू थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस इतना कोस इतना हो जाएगा सर बिल्कुल, और आपको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है। तो यहाँ से ध्यान दो वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स के जगह पर कितना पाई बाय टू माइनस टू थीटा। अब सुनो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू कौन चीज, पाई बाय टू और माइनस टू, और थीटा देखो कितना निकाल के रखें, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिखेंगे थीटा हम लोग टेन इनवर्स एक्स। अब देखो दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो कहोगे भैया एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो यहाँ होगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, पाई बाय टू और माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब समझो बात को, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये u माइनस वी पर टूटेगा, किस पर टूटेगा बबुआ, u माइनस वी पर, तो u माइनस वी, तो इसे लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय टू माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ से तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, जीरो, क्योंकि पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डीसी क्या होता है हमारा सर, जीरो होता है। अब देखो यहाँ से लिखेंगे कौन चीज, टू बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ क्या होगा हमारा, टेन इनवर्स एक्स। अब देखो इसका फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ देख लो वन बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिखोगे कौन चीज कि डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस टू इंटू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को लिखोगे माइनस टू बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा सर, एक्चुअल आंसर। एक बार तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ रही होगी, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम तुमको निश्चित समझाने का फिर से कोशिश करेंगे अगले क्लास में, है ना। चलो अगर किसी को कोई दिक्कत तो बोल सकते हो, नहीं दिक्कत तो पढ़ते रहना भाई, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तुम्हारा 6 महीना बीत चुका है सफलतापूर्वक, ऐसे समझ लो, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई तुम बोल दो, दिक्कत नहीं है तो भी बोलो, है ना। चलो आजो 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 आजा मेरी गली। चलो क्वेश्चन देखो अगला, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए कहता है कौन चीज कि क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो बाबू शिवरात्रि शुरू हो चुका है, क्या कहते हैं सावन शुरू हो चुका है, महादेव बाबा का पूजा बढ़िया से करा करो सब लोग, ताकि तुमको देखो y इक्वल टू दिया गया है कोस इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, तुम इसे खुद से भी बना सकते हो, फिर भी हम बना देते हैं। y इक्वल टू दिया गया है कितना, कोस इनवर्स
टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। बात को थोड़ा समझने का कोशिश करना, कैसे हम लोग बनाएंगे इस चीज को, सुनना गौर से। देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू कौन चीज, टेन थीटा। क्या पुट करेंगे सर, x इक्वल टू टेन थीटा, हैंस इसीलिए यहाँ से देखो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स x। थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स x। अब बताओ यहाँ y इक्वल टू, ये कौन चीज है, y इक्वल टू कोस इनवर्स टू x के जगह पर टेन थीटा बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फार्मूला किसका होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला होता है, टू टेन थीटा बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ से लिखोगे कोस इनवर्स साइन टू थीटा। अब ध्यान दो, साइन टू थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, कोस नाइन्टी माइनस थीटा, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी बात को लिखोगे y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 90, 90 मतलब पाई बाय टू और माइनस टू थीटा होगा ना। अब बताओ एक बात यहाँ से कि क्या लिखोगे, कि y इक्वल टू तुम लिख सकते हो कोस इनवर्स कोस x, क्या होता हमारा x होता है, जैसे फार्मूला पढ़ा था इनवर्स में, ये फार्मूला है, ये मत कहना कि सर कुछ अलग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारा फार्मूला है। कोस इनवर्स कोस एक्स अगर ऐसा होगा तो ये बात मैच करेगा, तो कोस के एंगल में जो है सीधा बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो वाई इक्वल टू पाई बाय टू और माइनस क्या होगा हमारा सर, टू थीटा। अब देखो यहाँ से वाई इक्वल टू कौन चीज, पाई बाय टू और माइनस टू और थीटा के जगह पर चेक करो क्या है, कहोगे टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखोगे टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को डिफरेंशिएट करो तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 0 और माइनस टू और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करो, यानी dy वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x तुम्हारा कितना होगा बबुआ। तो आपको पता है कि टेन इनवर्स x का dc कितना होता है, तुमको मालूम है, यहाँ देख लो 1 बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू और बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा सर इसका आंसर। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो सभी लोग पढ़ा करो, सब लोग घर में बैठ के, ठीक है ना, घर में पढ़ेगा नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, समझा, नहीं पढ़ेगा तो देखता है ना, जैसे कैसे कैसे एसडीएम सब एसडीएम भी भाग जाती है ना, इसलिए तोरो साथ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, तब पगला नहीं तो पढ़ो, है ना, अपना पढ़ लो बढ़िया होगा, समझ रहा है ना। आ जाओ सुनो, अब देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तुम 14, चौदह में देखो क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू sin इनवर्स 2x, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ऐसा दिया गया हमारा, हम क्या करेंगे इसके साथ, अब कुछ ना कुछ पुट करेंगे, वहां से फॉर्मूला निकाल के आपको बताएंगे। यहाँ से पुट करो x इक्वल टू साइन थीटा, क्या पुट करेंगे साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना होगा हमारा सर, साइन इनवर्स x, थीटा कितना होगा हमारा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब बताओ y इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स कौन चीज 2, x के जगह पर साइन थीटा देख लो, साइन थीटा इन टू अंडर रूट 1 माइनस, क्या लिखेंगे बोलो 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर साइन थीटा, तो साइन के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इन टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, का मतलब होता क्या कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा यहाँ पर सॉरी कोस थीटा, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो 1 होता है, यहाँ से इस बात को समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है, यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज जस का तस, इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में जाएगा प्लस में, उधर माइनस में हो गया,
अब देखो यहाँ पर कोस थीटा क्या होगा हमारा, अंडर रूट वन माइनस कौन चीज, साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, कोस थीटा। अब आपको एक बात मालूम है कि टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कहोगे सर साइन टू थीटा का, किसका साइन टू थीटा का। तो यहाँ लिखोगे वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और आपको मालूम है एक फार्मूला और, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा हमारा सर, एक्स क्या होगा, एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इसके एंगल में जो बात वही बाहर होगा, तो इसके एंगल में जो बात वही क्या होगा हमारा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू कौन चीज तुम, साइन इनवर्स साइन टू थीटा, तो यहाँ होगा टू थीटा हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे वाई इक्वल टू कौन चीज टू इंटू थीटा का जगह पर चेक करो कितना है, तो कहोगे सर साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ देखना एक बार ध्यान से, हमारा हो गया वाई इक्वल टू कौन चीज, हमारा हो गया वाई इक्वल टू कौन चीज टू साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कौन चीज टू साइन इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ से देखो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर दू बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, समझो यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर टू और साइन इनवर्स एक्स का डी सी। थोड़ा गौर से सुनना, ये फॉर्मूला है बबुआ, आ जाओ। साइन इनवर्स एक्स का डी सी अगर तुमको ऐसे कहीं दिखाई दे दे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है वन बट्टा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वन बट्टा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे वन बट्टा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। या तो तुम ऐसे लिखो कि डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू दू बट्टा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या होगा सर, एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि सभी लोग को ये सब बातें समझ में आ रही होगी। समझ में आ गया तो आप एक बार हाजिरी लगा लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, वो क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं, आप लोग तत्काल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। 15 में बोलता है कि sec इनवर्स 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू बोला है sec इनवर्स 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या दिया गया है, sec इनवर्स 2x 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ एक दफ़ा सुनो, यहाँ पुट करो, क्या करेंगे हम लोग, पुट करते हैं, मतलब रखना है x इक्वल टू तुम कोस थीटा रख लो, क्या रख लो, कोस थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, कोस इनवर्स x, थीटा इक्वल टू क्या होगा सर, कोस इनवर्स x होगा। अब देखो यहाँ से लिखो y इक्वल टू लिखोगे कौन चीज, sec इनवर्स कौन चीज 1 बट्टा 2 x के जगह पर कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर क्या होगा हमारा, थीटा माइनस 1। एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, sec इनवर्स क्या होता है हमारा, 1 बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोस 2 थीटा। अब बताओ 1 बट्टा कोस थीटा आपको मालूम है sec थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे sec इनवर्स 1 बाय कोस इतना तो होगा sec 2 थीटा। अब बताओ sec इनवर्स sec x क्या होता है सर, तो कहोगे x होता है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे y इक्वल टू 2 थीटा। तो जब y इक्वल टू हमारा 2 थीटा हो गया, तो यहाँ से ये बात भी लिख दो y इक्वल टू 2 इन टू थीटा के जगह पर कौन चीज़ cos इनवर्स x, थीटा के जगह पर कौन चीज़ cos इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ लिख दोगे dy वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos इनवर्स x। यहाँ से समझो कि डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर कौन चीज 2 और cos इनवर्स x का फार्मूला एक बार ध्यान रखना, अगर तुमको कहीं ऐसा दिखाई दे cos इनवर्स x तो माइनस 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला माइनस 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, इसी बात को लिखोगे कौन चीज़ डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस दो बट्टा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा सर एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ हम डिटेल्स में आपके साथ यहाँ तक चर्चा किए हैं। एक्सरसाइज 5.3 आज आपका ख़त्म हुआ। ध्यान रखिएगा कल के क्लास में आपका एक्सरसाइज 5.4 हम शुरू करेंगे, कुछ उसका थ्योरी देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब बात करते हैं। चलो ध्यान रखना एक बात, तुम लोग रिवीजन करते रहो, रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अब धीरे धीरे नज़दीक हो रहा है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, नो डाउट है भाई साहब। आप व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं वहाँ जुड़ जाना, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना। अगर कोई दिक्कत तो बताते रहना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास को शेयर जरूर करना ताकि हमें भी कुछ ना कुछ अंदर से मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोग के लिए डेली क्लास लगाते रहे, ठीक है। बाय, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, सभी को नमस्ते, बाय।